एवरी वन वेलकम टू भी मनु आई एस माई नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड टू द पॉइंट एक ऐसी सीरीज जहां पर हम लोग करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं बहुत ही प्रिसाइस और बहुत ही टू द पॉइंट तरीके से फॉर योर प्रिलिम्स एग्जामिनेशन की प्रिलिम्स के अंदर ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कि कवर हो सकते हैं और वंस यू डू अ टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर सीरीज यू कैन कंसिडर दैट टॉपिक टू बी डन तो उससे रिलेटेड जो भी सवाल आपका यूपीएससी के अंदर आएगा यू विल बी एबल टू डू इट राइट चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं इट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 ये एक एनुअल रिपोर्ट है विच इज गिवन बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ठीक है इन्होंने ये एनुअल रिपोर्ट दी है एंड अगेन इंडिया का जो रैंक है बेसिकली इसमें कंसिस्टेंटली ड्रॉप हो रहा है 2014 के बाद से कंसिस्टेंटली इंडिया इज परफॉर्मिंग पुअर इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट इसके कुछ इंडिकेटर्स हैं वो भी हम इंडिकेटर्स देखेंगे कि किन इंडिकेटर्स के बेस पे है हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है कि कौन ये देता है इंडिया की रैंकिंग अभी क्या चल रही है इस टाइप के टॉपिक यू पी में तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं साथ साथ में जब स्टेट एग्जाम्स होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अभी uh, हरियाणा का जो स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम आने वाला है तो वो वाले जो टॉपिक्स होते हैं uh, उन ये वाले टॉपिक्स उन एग्जाम्स के अंदर भी कवर होते हैं इनफैक्ट जैसे uh, अगर आप एच पी एस हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे तो इसकी रैंकिंग वगैरह भी एग्जैक्टली exactly पूछ ली जाती है कि इंडिया रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इन 2023 इज और नीचे चार ऑप्शन दे, दे देंगे वो कि क्या रैंक चल रहा है तो ये बड़े तरीके से कवर होता है इस टाइप का टॉपिक राइट चलिए शुरू करते हैं ग्लोबल मीडिया वॉच डॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स आर ये आर इसलिए क्योंकि ये इसका जो ऑफिस है वो फ्रांस पेरिस में है राइट और आरएसएफ की एक फ्रेंच लैंग्वेज में भी एक फुल फॉर्म है जिसका मतलब यही निकलता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स राइट right? आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए यही है, जैसे हम उसमें नहीं करते है फिजिक्स और, जब हम एसआई SI यूनिट्स की इंग्लिश तो SI में डेफिनेशन कुछ और फुल फॉर्म कुछ और समथिंग करके वो फ्रेंच लैंग्वेज में इसका नाम कुछ और है तो एफ का मतलब वो हैज रिलीज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इंडियाज रैंकिंग वन In the World Press Index, in the list of 180 180 जिनका रैंक इंडिया से पुअर है बाकी सबका इंडिया से बेटर रैंक है भूटान वगैरह जो है इनका इंडिया से अच्छा रैंक आ रहा है इसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के अंदर क्यों ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है अगर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट हम समझे आगे जाने से पहले सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फंक्शनिंग डेमोक्रेसी राइट और डेमोक्रेसी के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस होना है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वन ऑफ द एसेंशियल फीचर्स माना जाता है ये डेमोक्रेसी के अंदर कि एटलीस्ट आपकी जो प्रेस है जो इन्फॉर्मेशन है दैट शुड बी फ्री बिकॉज पीपल आर दी वन हु आर चूजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी डायरेक्टली पीपल लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा थोड़ा सा इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखने को मिला है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इतनी नहीं है तो वो भी हम देखेंगे क्यों गिरी है? है कि क्यों कम हुई है वो वाले फैक्टर्स भी देखेंगे अगेन दैट थिंग इट इज हाईली यूजेबल इन योर मेन एग्जामिनेशन राइट जब हमने इसको क्लास में कवर किया था आ, तो हमने बड़ा ढंग से कवर किया था कि क्यों इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट राइट right? और वॉट डज इट मीन फॉर अस स का मतलब एज इंडिविजुअल्स एंड एज एस्पायरेंट्स एज वेल हमने किस तरीके से इसको कवर करना है इस, इसको किस तरीके से टैकल करना है क्योंकि अल्टीमेटली यू आर अप्लाइंग टू बी एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट इट सेल्फ राइट तो हमें इस टाइप की रिपोर्ट को बहुत केयरफुली हैंडल करना होता है ये एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन है इंडिया के लिए राइट right? चलिए आगे चलते हैं तो उस एंगल पे मैं एक्चुअली इस वीडियो में मैं जाना चाहता हूं कि आपको आप लोगों को पता लगे कि क्या क्वालिटी तरीके से कवर की जा सकती हैं चीज़ें बट ये टू द पॉइंट का मैंडेट कुछ और है इसका मैंडेट वो नहीं है कि हम आपको मेन्स के लिए प्रिपेयर कराएं इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर योर मेन्स दिस इज द कोर्स टू ऑप्ट फॉर मैं बहुत ब्रीफली इसको ट्वेंटी सेकंड के अंदर आपको बताता हूं इट इज फॉर बोथ प्री एंड मेन्स इसमें मेन्स बहुत ढंग से कवर होता है वंस यू टेक दिस कोर्स आपका करंट अफेयर्स की बिल्कुल ही झंझट खत्म हो जाती है लाइक टू द पॉइंट के हम तीन वीडियोस डालते हैं uh, इसके अंदर तो बहुत सारे टॉपिक्स टॉपिक्स कवर होते हैं अराउंड हर क्लास में कवर होते हैं एंड उस रजिस्टर से बाहर जो कि हम डिवाइड uh, करके बना लेते हैं उस रजिस्टर से बाहर आपको सवाल आएगा ही नहीं कमिंग बैक टू दिस ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में है ये थ्री प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है नंबर वन यू गेट क्लासेस राइट नंबर टू यू गेट वीकली पी डी एफ नंबर थ्री यू गेट वीकली टेस्ट एज वेल राइट तो इन तीनों के बाद में आपका करंट अफेयर्स कंप्लीटली कवर हो जाता है आपके लिए आपको इसके बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है और एक जो बोनस चीज मैं आपको अभी बताने वाला हूं दैट इज यू गेट अ डेज फ्री ट्रायल फॉर दिस राइट यू गेट अ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रायल सात दिन का तो इनकेस अगर आपने नहीं भी ज्वाइन करना ना तो आप आके देखिए कि करंट अफेयर्स कवर होते कैसे हैं है ना तो अगर आप खुद भी न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि न्यूज पेपर एक्चुअली उठाना क्या है एग्जैक्टली exactly? चलिए की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट वापस आते हैं टॉपिक पे टॉपर्स कौन है नॉर्वे आयरलैंड डेनमार्क स्वीडन फिनलैंड आपको सिर्फ टॉप फाइव याद रखने की जरूरत है ज्यादा आगे जाने की की जरूरत नहीं वरना ऐसे तो पूरी लिस्ट आप याद कर सकते हैं करने पे आए तो बट टॉप यही है नॉर्वे आयरलैंड डेनमार्क स्वीडन एंड फिनलैंड अगेन रीजनल एग्जाम्स के अंदर ये डायरेक्ट सवाल आपको आ सकता है कि टॉपर्स कौन से हैं सेकंड नंबर पे कौन है मतलब टॉप फाइव तक अगर आप याद रखो दैट इज मोर देन इनफ टॉप फाइव भी नहीं याद हो रहा टॉप थ्री अदरवाइज आपको टॉप कंट्री तो याद रखनी ही है नॉर्वे और वरना इसमें ना कंफ्यूजन हो जाएगी आपको अगर टॉप कंट्री पूछ लिया नेबर्स इन क्या एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेश जिसका रैंक 163 है म्यांमार 173 एंड चाइना म्यांमार के अंदर भी पॉलिटिकल टर्मोइल है चाइना का आपको पता ही है कि वो अलग तरीके से इन सब चीजों को देखता है है ना सिंगल पार्टी वन पार्टी सिस्टम और वो बहुत ज्यादा कंट्रोल रखते हैं तो ऑब्वियसली इन कंट्रीज का रैंक थोड़ा नीचे आना ही था ऑल अदर नेबर्स है बेटर रैंक देन इंडिया भूटान नाइन्टी नेपाल नाइन्टी फाइव श्रीलंका वन थर्टी फाइव एंड इवन पाकिस्तान वन फिफ्टी एंड अफगानिस्तान वन फिफ्टी टू इसके ऊपर भी सवाल बन सकता है राइट तो आपने तीन कंट्रीज याद रखनी है कि जिनका इंडिया से खराब रैंक है दैट इज चाइना बांग्लादेश एंड आपकी म्यांमार uh, राइट इसके अलावा बाकी सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान उसका रैंक हमारे से अच्छा है और इसने क्या बोला वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिवील्ड प्रेस इन सीरियस सिचुएशन दो साल पहले के इंडेक्स में क्या बोला था कि 21 कंट्री थी जिनकी वेरी सीरियस अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट अब यहां से आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है एक्सक्यूज uh, <coughs> यहां से इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है अगेन क्लास में हमने इसको बहुत से किया था यहां पे मैं आपको सही तरह बताता हूं कि क्या बात है वॉयलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट द पॉलिटिकली पार्टीजन मीडिया एंड द कंसनट्रेशन ऑफ मीडिया ओनरशिप ऑल डेमोन्स्ट्रेट द प्रेस फ्रीडम इज इन क्राइसिस इन इंडिया द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इस तरीके से पॉइंट आउट किया गया इंडिया को यहां पर राइट पार्टीजन ऑफ मीडिया का मतलब कि आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर चैनल है वो एक ही पार्टी की तारीफ करता है सबकी बाकी बैंड में जाता है दूसरा है वो दूसरे को कर रहा है इसको बोलते हैं कि मीडिया पार्टीड है दूसरा ऑफ मीडिया ओनरशिप कि एक ही ओनर के बहुत सारे चैनल है और वो सबकी टीआरपी अच्छी आ रही है राइट right? उस टाइप की बात यहां पर बोली जा रही है द रीजन बिहाइंड द फॉल इन रैंकिंग इज द इंक्रीज वॉयेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट एंड अ पॉलिटिकली पार्टिस मीडिया ठीक है द अदर फिनोमिना दैट डेंजरस द रिस्ट्रिक्ट दी फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज दी ये हम पहले वाले जो पॉइंट है उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है एक्विजिशन ऑफ मीडिया आउटलेट्स बाय हु मेंटेन क्लोज टाइज विद पॉलिटिकल लीडर्स तो कहने का मतलब अब देखो थोड़ा सा समझो यहां पे आप लोग ट्राई कर रहे हो कि आप सरकार के एजेंट बन जाओ ठीक है सरकार के खिलाफ अगर कोई बात बोलनी है तो आप स्टाइल से बोलोगे कि ये रिपोर्ट ऐसा बोल रही है और हम ये ये मेजर्स ले सकते हैं अपने सिर पे मतलब अगर बात ना लें तो ठीक रहेगा है ना थोड़ा उनके उसके हिसाब से बात करेंगे तो एक तरीका है बात करने का बात सेम ही है आप भी समझ रहे हो मैं भी समझ रहा हूं हम सब समझ रहे हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है इंडिया में है ना हम सबको दिख रहा है क्या हो रहा है दिस इज दैथड टू से इट है ना कि रिपोर्ट रिपोर्ट में ऐसा आया है और हमने रिपोर्ट कोट कर दी द ऑर्गेनाइजेशन एजर्ट दैट मैनी जर्नलिस्ट आर एस की बात हो रही है दैट मैनी जर्नलिस्ट इन इंडिया फोर्स टू सेंसर देमसेल ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर किस चीज का प्रेशर वॉयलेंस वगैरह का राइट right? किसी भी टाइप का प्रेशर चाहे आपको सेंसर करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ आपकी जॉब ना चली जाए या फिर आपको सेंसर करना पड़ रहा है कि यार मर्डर ना हो जाए वायलेंस ना हो जाए उस टाइप की बात वहां पर हो रही है अबाउट द रिपोर्ट इट इज एन एनुअल रिपोर्ट पब्लिश बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर विच इज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट एडवोकेट्स फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट रैंक्स वन एटी कंट्रीज बेस्ड ऑन देअर लेवल टेकिंग इन टू अकाउंट फैक्टरशिप मीडिया इंडिपेंडेंस एंड सेफ्टी ऑफ द जर्नलिस्ट ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट देखो ये फ्रीडम ऑफ प्रेस किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो वट आर द इंडिकेटर्स दीज आर द इंडिकेटर्स ये आपको मेन्स आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा राइट अगेन आई वुड सजेस्ट वो सात दिन का जो फ्री ट्रायल है वो आप लेकर देखिए एक बार आइए क्लास में आपको समझ में आएगा कि कवर कैसे करना है लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन चेक इट आउट द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज based ऑन फाइव डिफरेंट फैक्टर्स दैट आर बेस्ड टू कैलकुलेट स्कोर्स एंड रैंक एंड रैंक कंट्रीज कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं Political इंडिकेटर इकोनॉमिक इंडिकेटर लेजिस्लेटिव इंडिकेटर सोशल इंडिकेटर एंड सिक्योरिटी इंडिकेटर ये सब हमने अभी बातों ही बातों में कवर किए थे पीछे इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बट दीज आर द थी इंडिकेटर्स ये आपको आ, मतलब आंसर फॉर्म करने में थोड़ा हेल्प कर सकता है कि क्या क्या इंडिकेटर्स वो यूज कर रहे हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक लेजिस्लेटिव सोशल एंड सिक्योरिटी इंडिकेटर तो अगर अपना आंसर फॉर्म करना तो इन इन एरिया को टच करके बहुत ब्यूटीफुल आंसर बनाया जा सकता है राइट दैट इज ऑल फॉर टूडे माई नेम इज रोहित गर्चा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द और कुछ अच्छे टॉपिक्स और कवर करेंगे ऑल द बेस्ट फॉर यिलियम्स एग्जामिनेशन जो लोग अभी अटेम्प्ट दे रहे हैं. बाकी लोगों को आई वुड सजेस्ट जिनका अगले साल उससे अगले साल अटेम्प्ट है कि आप जरूर ये जो कोर्स है उसे अवेल कीजिए आपकी तैयारी में बहुत बढ़िया हाँ एडिशन होगी और आपके आंसर्स बहुत ज्यादा निखर के आएंगे आपके कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होंगे जो शायद आपका डिफरेंस बन सकता है लिस्ट में नाम आने और ना आने के बीच में राइट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई नेम इज़ रोहित गर्चा दिस सीरीज इज कॉल्ड टू द पॉइंट एंड यू आर वॉचिंग अभिमन आई